तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके लैपटॉप में भी एक्सटर्नल माइक से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या एक्सटर्नल माइक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आपका लैपटॉप विंडो 10 है या 11 है, ये आप सभी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, आपको विंडो वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है और अगर आप विंडो 10 यूज करते हो तो सिंपली प्राइवेसी पे क्लिक करना है, अगर 11 है तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोफोन लिख रहा है, आपको इस पे जाना होगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे माइक्रोफोन एक्सेस लिखा हुआ है। एनी वन यूजिंग दिस डिवाइस कैन चूज इफ दियर एप्स हैव माइक्रोफोन एक्सेस, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। अगर ये आपका डिसेबल है तो आपको इसे इनेबल कर देना है। और इसके बाद आपको एप्स में भी चेक कर लेना है, अगर आप किसी ऐप में यूज करना चाहते हो एक्सटर्नल माइक, अगर उसका डिसेबल है तो आपको उसको इनेबल कर देना है। ये करने के बाद आपको फिर से अपने एक्सटर्नल माइक को चेक करना है, अगर अभी भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो आपको सेकेंड मेथड को फॉलो करना है। अब सेकेंड मेथड में आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल और इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको हार्डवेयर एंड साउंड्स पे जाना है, फिर इसके बाद साउंड्स। अब आप देख सकते हो अगर आपका एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड है तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ये हमारा इंटरनल माइक है। अब आपको क्या करना है, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शो डिसेबल डिवाइसेस पे चेक मार्क करना है, शो डिस्कनेक्टेड डिवाइसेस पे भी चेक मार्क कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। फिर से आपको साउंड में, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने एक्सटर्नल माइक कनेक्ट किया है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस पर, और अगर यहाँ पे ये डिसेबल है तो इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद फिर से इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। अब प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको लेवल्स में जाना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस पर कुछ इस तरीके का सिंबल नहीं होना चाहिए रेड कलर का, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सिंबल आ रहा है तो इस पर सिंगल टैप कीजिए, ये आपका रेड कलर का जो सिंबल है वो हट जाएगा। फिर इसके बाद इस पर ओके का क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स पे आना है, रिकॉर्डिंग्स पे आने के बाद जो आपका एक्सटर्नल माइक कनेक्टेड है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लेवल्स में जाकर मेक श्योर कि उसी तरीके से यहाँ पे आपका कोई रेड कलर का कुछ इस तरीके का होना चाहिए, फिर इसके बाद इस पर ओके पे क्लिक करना है, फिर से राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेक श्योर इन दोनों ऑप्शन पे चेक मार्क है, ठीक है। अगर आपका माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ इस तरीके से वॉल्यूम का सिंबल दिख रहा होगा। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपका एक्सटर्नल माइक से अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा ऑडियो, तो आपको स्टेप थ्री को देखना चाहिए। तो आपको स्टेप थ्री में क्या करना है, आपको अपने विंडो वाले सेक्शन पे राइट क्लिक करना है, डिवाइस मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑडियो एंड इनपुट्स को सेलेक्ट करके इसको एक्सपेंड कर लेना है। अब आपको जो भी माइक्स कनेक्टेड होंगे यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। अब आप इन सबको अपडेट कर देना है। अगर आपने एक्सटर्नल माइक कनेक्ट किया है तो उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ड्राइवर है अगर उसमें कुछ इशू है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अगर आपका पहले से इंस्टॉल है तो कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद आपको अपने लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट करना है और चेक करना है कि आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो गया है।